झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में मोहल्ले के कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे। जब महिला ने गाली गलौज करने से मना किया तो दबंगों ने एकजुट होकर लाठी डंडों से उसकी साथ मारपिटाई कर दी। इस घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गई। परेशान महिला ने चिरगांव पुलिस को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराकर जांच में जुट गई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला चिरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बरल का है, जहां संगीता पत्नी ठाकुरदास के घर के बाहर कुछ लोग शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जिसको लेकर उसने मना किया तो उक्त लोग गाली गलौज करने लगे। ये सुनकर महिला का भाई भी आ गया, जिसने गाली देने से मना किया तो सभी लोग एक राय होकर करीब 7 से 8 लोग आए और उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इस घटना में महिला बुरी तरह से घायल हो गई। इसकी सूचना उसने डायल 112 पुलिस को दी 1076 पर, और इसके बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस के माध्यम से महिला ने चिरगांव पुलिस को लिखित शिकायती पत्र देकर कार्यवाही किए जाने की मांग की। दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग खड़े हुए। फिलहाल पीड़िता ने लिखित शिकायती पत्र देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। दीदी आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम संगीता। थोड़ा तेज बोलो। संगीता। संगीता कहाँ रहती हैं आप? बरल में रहती हो। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हम लेटरिंग के लिए निकल रहे थे, बाहर जा रहे थे अपने घर के बाहर, दारू पी रहे थे हमारे घर के सामने, तो बस ये गाली दे रहे थे बदतमीजी से, उसी गंदी गंदी। हमने बस इतना कहा, हमने कि तुम्हें तो गाली क्यों दे रहे, पीने तो शांति से बैठ के पियो, नहीं तो गाली मार लेना दो, शांति से बैठो। तो कह रहे कहा तुम्हारे धुआं पी रहा है, तुम्हें कौन सी एलर्जी हैगी? तो बस इतना सुन सुन के हमारे भैया निकल आए। भैया ने कहीं कहा हमने कछ नहीं होगा जी, गाली दे रहे बदतमीजी से। भैया ने कहीं कहा दे रहा है आराम शांति से पी लो ना, पैसे से निकल के बाहर चले जाओ। मतलब ऐसे मैंने भैया से बोला लगी गंदी गंदी बोला लगी गाली देने लगी। भैया ने कही दो गाली माली नहीं दो, ठीक है आराम से चले जा, तुम दारू पिए अब हम बोल नहीं रहे तुमसे। कह रहे कहा तुम का कल लू दिया तुम, ऐसे गंदी गंदी बोला लगी। फिर क्या हुआ इसके बाद? इसके बाद कुछ नहीं जी, भग गए। फिर जी सबरे घर पूरी फैमिली से आ गए थे, कम से कम 8 लोग होंगे, तो जी वो डंडा मंडा लेके आ गए थे। हमने कही कहा को तुम ऐसी बात पर बात बढ़ा रहे, हमने कही कह रहे काय तुमने हमें काय भगाओ कि तुमने अपनी दुआएं से हम दालू पी रहे थे। हमने उन लोगों ने क्या किया फिर? कुछ नहीं किया, बस खाली आए गाली मम्मी की गाली दे लगी, गाली दे के फिर बस सीधे डंडा लेके आए, सीधे मारने लगी। पहले हमारे सिर में दिया था, सिर को पकड़ लिया था उन्होंने, फिर सीधे पैर में दे दिया, फिर हमें मालूम नहीं, हम तो गिर पड़े थे। फिर आपको सीधी बात, हमारे घर ही पे आ गए थे वे तो। आपके साथ मारपीट करी? हमारे साथ मारपीट। कितने लोग थे? 8 लोग। हाँ जितने भी लोग थे, लेडीज से सुन रहे थे। अच्छा लेडीज से भी थी, आप जानती हैं वो लोगों को? नहीं लेडीज नहीं। थाने में प्रार्थना पत्र दिया आपने? दिया थाने में प्रार्थना पत्र। अभी कहाँ पर आई हो? अभी तो हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल आई हो। क्या नाम है दीदी आपका? संगीता। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, अब खुल गई है आपके कस्बा मोठ में स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी, जिसमें आपको मिलेगी बेहतर सुविधाएं जैसे पर्सनल केबिन्स, हाई स्पीड वाईफाई, आरओ वाटर, डेली न्यूज़पेपर, सेपरेट मोबाइल एंड लैपटॉप चार्जिंग प्लान, कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट, टू व्हीलर फोर व्हीलर पार्किंग सुविधा, पढ़ने के लिए किताबों की व्यवस्था, 2400 घंटे कैमरे की निगरानी में, टाइमिंग 24 आवर्स, डायरेक्टर धीरेन्द्र रायकवार एंड ईशु वर्मा। संपर्क करें 8009526056 7007090609 0605 पर। हमारा पता है निरीक्षण भवन के पास, मेडिकल मोड़, मोठ झांसी।